भूखे कुत्ते थे तो याद रखो जो हम पर जुल्म कर रहे हैं, 5 साल हो 6 साल हो कुछ भी हो, अल्लाह कुरान में हमको खुशखबरी दे रहा है, जालिम लोगों के ताल्लुक से अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे जुल्म से बाखबर हूं, मैं गाफिल नहीं हूं। हमारे लिए इतना ही काफी। जो लोग आज हमको कमजोर बेबस समझकर हमको मार रहे पीट रहे, याद रखो हमारी ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह होगा, रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह होगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम हुसैन जिंदा है, हुसैनियत जिंदा है और सुबह कयामत तक हुसैनियत के परचम लहराते रहेंगे। यजीदियत मुर्दा है, यजीदियत खत्म होगी इंशाअल्लाह होगा। हिंदुस्तान के गैयूर मुसलमानों, तुमको पैगाम मैं दे रहा हूं सुनो, इमाम हुसैन की रूह हमसे पुकार कर कह रही है, हजरत जैनब करोड़ों खैमा हमसे पुकार कर कह रहा है, अली अकबर का खून वो दरियाए फरात का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो पुकार कर कह रहा है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन के खौल और अमल को अपने आप में जिंदा करो। और करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है हिंदुस्तान का गैयूर मुसलमानों, करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है गैयूर मुसलमानों, यजीदियत इत्तेहाद को तोड़ने का नाम है, यजीदियत हमको तोड़ने का नाम है और हुसैनियत हमको जोड़ने का काम करती है। यजीदियत कौम की अमानत को लूटने का नाम है, हुसैनियत कौम की अमानत को बचाने का नाम है। यजीदियत इस्लाम के हुदूदों को मिटाने का नाम है, हुसैनियत इस्लाम के दीवारों को उठाने का नाम है। यजीदियत अमन की दुश्मन है, हुसैनियत अमन का पैगाम है। यजीदियत अंधेरा है, हुसैनियत रोशनी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम में करबला है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये 72 थे, वो 20,000 थे, कैसी तुम कहते हो कि तुमको कामयाबी मिल गई, तो उन दीवानों से कहना, उन पागलों से कहना कि दर्से करबला ये है कि हक की सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन ने हमको सिखाया, अहले बैत ने हमको यह सिखाया कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे और हक की सरबुलंदी की जब बात आएगी तो ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ मुसलमान का फायदा है, हम ये देखेंगे अगर इंसानियत खत्म हो रही है और बातिल गलबा हासिल कर रहा है तो इंसानियत को बचाने के लिए हम हक की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए कह रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब यजीद कैसे मरा यजीद मालूम आपको, जो दुनिया के जितने जालिम हैं, जो इख्तदार की कुर्सियों पर बैठ कर ये समझते हैं कि कभी नहीं खत्म होगा इनका इख्तदार, यजीद एक बंदर पाला था, उसी का बंदर उसको कतर दिया और इंशाअल्लाह ताला मौजूदा बरसरे इख्तदार आपको भी आप ही का बंदर कटे काटेगा इंशाअल्लाह। ये जो बंदर आप हमारे तरफ छोड़ रहे ना, अरे हम तो हुसैनियत का परचम लिए भाग रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, हम तो हुसैन के गुलाम हैं, तुम्हारे बंदर तुम वही इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तरफ पलटेंगे, तुमको काटेंगे जरूर इंशाअल्लाह होगा, तुम्हारा खातिमा
تمہارے بندروں کی ان حرکتوں سے ہوگا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین کو جب حید کر کے یزید کے پاس آیا گیا، آپ بیمار ہیں، بیمار ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آل رسول کی ہر کلی کو مسل دیا گیا، آپ کے سامنے علی اکبر آپ کے بھائی علی اصغر کی شہادت، آپ کے سامنے آپ کے چچا حضرت عباس اور عمر فار کی شہادت، مگر امام زین العابدین کے حوصلے پست نہیں ہوئے،